मशीन आप देख रहे हैं चल रही है। एक तरफ मॉब लिंपिक को लेकर सरकार को कानून बनाने को लेकर मांग कर रहे हैं, तो वही कमरे जानकारी का मामला सुर्खियों पर आ गया। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं कमरे जानकारी के परिजन में और एम आई एल घर पर कमेटी के कार्यकर्ता मैंने उनसे बात करी। आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको क्यों बैठे? हम लोग यहाँ पे बैठने का मेन कारण है कि हम लोग सालों से 2014 से ये एक तरह का नया माहौल सुनने को मिला कि कीर्तन 2014 से ये शुरुआत होता है, अलीमुद्दीन अंसारी से लेकर के शुरुआत होता है और अब 50 से ज़्यादा लोगों को मॉबलिंग करके मार दिया और मार दिया। इसी क्रम में आप देखिए तबलीग अंसारी जो जून 2019 में हुआ था, मार्च 2021 में राजधानी जिला का एस पी अंगड़ा का मुबारक खान का मॉबलिंग कर दिया। छोटे मोटे वाक्य उसको एक भीड़ जमा होती है और धार्मिक नारे लगाने के लिए उसको मजबूर करती है और पीट पीट के मार देते, उसका वीडियो बनाते हैं, लोग डरते भी नहीं है शासन प्रशासन से कानून से और सोशल मीडिया दोनों जगह फैलाते हैं और कहीं ना कहीं इसको संघ परिवार के लोग इसको प्रमोट करते हैं, वैसे लोगों को बचाते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। तो इसी लड़ाई को लेकर के हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि दूसरे राज्य जहाँ छिटपुट घटनाएं एक दो घटी है वो राज्य मॉब लिंचिंग के सख्त कानून बना चुके हैं। इवन बंगाल पड़ोसी राज्य वहाँ पे भी कानून बन गया कि मॉब लिंचिंग करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी, ऐसा वहाँ कानून बन गया है। तो उसी के लिहाज से कि झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ 50 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो गई, तो झारखंड में क्यों नहीं मॉब लिंचिंग पे कानून बन रहा है? हम पिछले सालों से 5 बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, हम लोग कई बार उनके प्रतिनिधि मंडल से मिले और मुख्यमंत्री का हर बार ये आश्वासन होता है। कौन से मुख्यमंत्री से मिले थे? हेमंत सोरेन से मिले थे या रघुवर दास? हेमंत सोरेन से 4 बार हमारी मुलाकात हो चुकी है, ठीक है, इन सब परिजनों के साथ में। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का हमेशा जो है इस पे आश्वासन मिलता है कि नहीं हम बना रहे हैं, तुरंत बना रहे हैं, बस चंद दिन में बना रहे हैं, थोड़ा टाइम दे, अगले सत्र में बना रहे हैं। हर कानून हर बिल जो है सरकार पास कर रही है, टाइम पे पारित कर रही है, बट मॉब लिंचिंग जैसी घटना जो देश के साथ साथ झारखंड राज्य के लिए कितना शर्म की बात है कि 50 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो गई, अभी आपको घटी नहीं है, लगातार 8 से 10 घटनाएं हेमंत सोरेन की सरकार में हुई घटी है। लेकिन जो हेमंत सोरेन के जो महासचिव हैं, केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य, बोलते हैं हेमंत सरकार में जो है घटना ही नहीं घटी, एक भी मॉब लिंचिंग नहीं हुआ। तो मैं उनको बता देता हूं कि मार्च 2021 को डेट वाइज मैं बता देता हूं, गुमला में हत्या के आरोपी रामचंद उरांव को भीड़ ने पीट कर मार डाला। 13 मार्च जो है मुबारक खान को बाइक चोरी के आरोप लगा करके पीट पीट करके मार डाला, जिसके परिजन यहाँ पे मौजूद हैं। 10 मार्च को सचिन कुमार वर्मा को आप लोगों देखे होंगे अपर बाज़ार में भीड़ तंत्र ने मार डाला, वो उस समय तो हेमंत सरकार थी ना। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट हैं, अगर लिस्ट हम सरकार को देंगे तो उनको समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है और जब इतना ज़्यादा हो रहा है तो इस पे सरकार क्यों नहीं सकता है, इस पे कानून क्यों नहीं बना रही है, उस कानून के अंदर कठोर सजा का प्रावधान हो, उस कानून के अंदर मुआवजे की बात हो ताकि उसका घर परिवार चल सके, उस कानून के अंदर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के अधीन 3 महीने में जो है केस की सुनवाई करने की सुनिश्चित हो, उस कानून के अंदर आश्रित को जो है सरकारी नौकरी की प्रावधान हो, उस कानून के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे जो मासूम हो जा रहे हैं उनका जो है भरण पोषण पढ़ाई लिखाई कैसे हो उसका सरकार सुनिश्चित करे, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जब तक कानून नहीं होता हम सरकार के अलग अलग मंत्री अलग अलग नेताओं का दरवाज़ा ठकठका के हम लोग थक चुके हैं, अब हम लोग फाइनली भूख हड़ताल पे बैठे हैं कि जब तक कानून नहीं बनता हम ये भूख हड़ताल अनिश्चितकाल चलता रहेगा और इसको हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। लिंचिंग करके मारा गया लेकिन उनके जो आरोपी थे उनको तो जेल भी भेजी सरकार, जेल तो भेजे थे लेकिन अब तो सब बरी हो गया, अब तो सब छूट गया। सरकार तो अपनी तरफ से पुलिस तो कार्रवाई की, जेल भेजी, वो तो न्यायालय का मामला है कि बरी की, लेकिन जो दोषी है उनको तो सज़ा होना चाहिए ना। कौन दोषी है? मुजरिम है तो दोषी है ना, मुजरिम है तो उनको सज़ा होना चाहिए। अच्छा आप बताइए, मुबारक खान के आप परिजन हैं, उनके साथ यहाँ बॉम्ब लिंचिंग हुआ, क्या कार्रवाई हुआ था पुलिस के द्वारा? कुछ नहीं, अभी तो कुछ बहुत पकड़ाया हुआ है और अभी आधा व्यायाम घूम रहे हैं, तो उसको मेरा कहना है कि सभी को पकड़ा जाए और उसको सजा दिया जाए।
तबरेज़ अंसारी का जब मॉब लिंचिंग में हत्या हो जाती है तो बहुत सारे लोग आपसे मिलने जमशेदपुर जाते हैं, वहाँ पर आपको क्या आश्वासन दिया जाता है? बस सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2 साल बीत गया लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जो भी इस मॉब लिंचिंग पे कड़ी से कड़ी कानून बनाया जाए और हम लोग को इंसाफ मिले। तो आपने देखा कि मॉब लिंचिंग को लेकर लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन बैठ गए हैं। इन लोगों की मांग है कि जब तक मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बनेगा सख्त से सख्त, तब तक हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इसी की तरह के तमाम जानकारियों के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। अपने सहयोगी माहिर सिन्हा के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, रांची।